दोस्तों, मुंह में छाले होना एक आम समस्या है। ये छोटी सी समस्या हमें काफ़ी परेशान कर देती है। ना तो हम कुछ खा पाते हैं और ना ही कुछ पी पाते हैं। कुछ भी खाने से मुंह में जलन और दर्द होना एक आम बात हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये छाले क्यों होते हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। डायडॉक हेल्थ पर हम आपको साइंटिफिकली बैक जानकारी आसान शब्दों में देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मुंह के छालों के बारे में, यानी ओरल अल्सर्स के बारे में। ओरल अल्सर्स क्या है, ये क्यों होते हैं, ओरल अल्सर्स के लिए क्या घरेलू उपचार किए जा सकते हैं, ओरल अल्सर्स होने पर कब चिंता करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल अल्सर्स क्या होते हैं। ओरल अल्सर्स वह छोटे अल्सर्स होते हैं जो आपके होंठ के अंदरूनी लाल भाग पर, मसूड़ों पर, गाल के अंदर और तालू या पैलेट पर कहीं भी हो सकते हैं। ये लाल या पीले रंग के हो सकते हैं और अक्सर पेनफुल होते हैं। यह एक दूसरे से कभी नहीं फैलते हैं और मेडिकल भाषा में इन्हें एफ्टस अल्सर्स भी कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ये छाले क्यों होते हैं, क्या कारण होता है इनका। ये छाले कई कारणों से हो सकते हैं, जिसमें मुख्य है पेट खराब रहना या पेट के अच्छे बैक्टीरियाज का डिस्टर्ब होना, यानी कि गट माइक्रोबायोटा का डिस्टर्ब होना। दोस्तों, हमारे गट या पेट और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारी गट हेल्थ को कायम रखते हैं, अच्छी गट हेल्थ को मेंटेन रखते हैं और इम्यूनिटी भी बनाए रखते हैं। पर कई बार खराब खान पान, खराब लाइफस्टाइल या पेट के इन्फेक्शन या और किसी बीमारी के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक से जो हमारी गट के, जो हमारी पेट के जो बैक्टीरिया हैं, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और अच्छे बैक्टीरिया भी कम हो जाते हैं, जिससे ओरल अल्सर जैसी समस्या हो सकती है। ओरल अल्सर्स का अगला मुख्य कारण है तनाव या स्ट्रेस। हमारे रोज़मर्रा के कामकाज या घर का तनाव, बच्चों को एग्ज़ाम का तनाव, पेरेंट्स को बच्चों का तनाव, किसी भी तरह के तनाव से मुंह के छाले हो सकते हैं। और यह समस्या आज के समय पर ओरल अल्सर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन कारण हो गया है। अगला कारण है नींद पूरी ना ले पाना। अगर आप शिफ्ट ड्यूटीज करते हैं, अगर आपको इंसोमनिया है, यानी कि आपको नींद नहीं आती है, या आप स्ट्रेस की वजह से अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको मुंह के छाले हो सकते हैं। दोस्तों, अगला कारण है मुंह में लगातार इरिटेशन रहना। यह इरिटेशन किसी भी टेढ़े दांत की वजह से हो सकती है, या दांतों पर लगे ब्रेसेस या वायर की वजह से हो सकती है, या अगर आप हार्ड टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, या अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं और उसे मुंह में दबाए रखते हैं, या हमेशा सुपारी खाते हैं, तो इस वजह से भी हमेशा मुंह में इरिटेशन रहती है आपके, और यह भी एक ओरल अल्सर का महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों, अगला कारण है मुंह की किसी चोट की वजह से मुंह की म्यूकोसा कई बार आपके दांतों के बीच में आ सकती है, जिससे वहां घाव हो जाते हैं, या किसी डेंटल प्रोसीजर की वजह से भी मुंह में चोट लग जाती है जो आगे जाके अल्सर का कारण बन जाती है। अगला कारण हो सकता है हार्मोनल चेंजेस। कई महिलाओं में अगर पीरियड निश्चित समय पर नहीं आते हैं और डिले हो जाते हैं, या प्रेगनेंसी के हार्मोनल बदलाव की वजह से भी ओरल अल्सर डेवलप हो सकते हैं। अगला कॉमन कारण है विटामिन की कमी, खासकर विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से ओरल अल्सर पेशेंट में डेवलप हो सकते हैं। कई बार बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी अल्सर हो सकते हैं। अगला कारण है स्ट्रॉन्ग टूथपेस्ट, जिसमें ज़्यादा लौंग होता है या ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। ऐसे टूथपेस्ट के इस्तेमाल से भी आपकी ओरल म्यूकोसा, इसमें जलन हो सकती है, जिससे अल्सर डेवलप हो जाते हैं। मुंह के छाले वैसे तो एक सामान्य समस्या है, पर कई बार यह किसी रोग से जुड़ी समस्या भी हो सकती है, और यह रोग, यह डिजीज है डायबिटीज़, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, सीलियक डिजीज़ और बहसेट डिजीज़, इसके अलावा HIV और एड्स। सामान्यतः ये छाले अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, पर कई बार इनके लक्षणों में आराम पाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप घर पे भी कुछ घरेलू तरीकों से ओरल अल्सर्स के लक्षणों से आराम पा सकते हैं, और यह तरीके हैं। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स बढ़ाएँ, यानी कि दही, योगर्ट, ये ज़्यादा इंक्लूड करें। आप नमक के पानी से बार बार मुंह साफ करें। आप कत्थे को
छाले पर लगा सकते हैं। आप गोंद को छाले पर लगाकर रात में सो सकते हैं। इसके अलावा आप शहद या ग्लिसरीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे कि अल्सर की जो जलन है यह कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये हो गए घरेलू उपाय। अब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की, जिसमें छाले पर लगाने वाला एक जेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लोकल एनेस्थेटिक होता है, जिससे छाले की जगह सुन्न हो जाती है और आप इसे लगाकर आराम से खाना खा सकते हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक और विटामिन सी सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। रेयर केस में स्टेरॉयड ऑइंटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर 2 सप्ताह तक इलाज लेने के बावजूद भी छाले ठीक नहीं हो रहे हैं या बार बार छाले हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन्स के लेवल, CRP या ESR, इसके अलावा CBC। कई बार छाले की जो समस्या है, इसके लिए आपको छाले की बायोप्सी करवाने की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि यह कंफर्म होता है कि यह छाला कैंसर की वजह से तो नहीं है। ऐसे छाले ओरल कैंसर की शुरुआती स्टेज में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप मुंह के छालों से कैसे बच सकते हैं। कुछ प्रिवेंटिव टिप्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला है ओरल और डेंटल हाइजीन का विशेष ध्यान रखना है आपको। सॉफ्ट टूथब्रश और जेंटल टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल करें। आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबायोटिक्स लें, जैसे कि दही या योगर्ट। आप अनावश्यक एंटीबायोटिक लेने से बचें। आप तंबाकू और सुपारी का सेवन बिल्कुल ना करें, इन्हें बिल्कुल बंद कर दें। आप स्ट्रेस को मैनेज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, कोई हॉबी अपनाएं, एक्सरसाइज करें, 7 से 8 घंटे रात को ज़रूर सोएं। अगर किसी दांत से आपको इरिटेशन है, वो आपको परेशान कर रहा है, तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से उसका इलाज कराएं। इसके अलावा दोस्तों, हम कुछ ऐसे लक्षणों की बात करते हैं जो अगर आपको हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और यह है अल्सर जो 3 हफ्ते से ज़्यादा समय से हैं। 1 से ज़्यादा अल्सर अगर आपके मुंह में डेवलप हो गए हैं और ये ठीक नहीं हो रहे हैं, या फिर एक ठीक होने से पहले आपके दूसरा अल्सर डेवलप हो जाता है, अल्सर ज़्यादा बड़ा हो गया है, या फिर अल्सर जो होंठ के बाहरी भाग पर आ गया है, इसके अलावा अल्सर जिसमें दर्द नहीं हो रहा है, या वह अल्सर जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको बुखार हो गया है, डायरिया है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं ओरल अल्सर और कोल्ड सोर में क्या डिफरेंस है। ध्यान रखें दोस्तों कि कोल्ड सोर और ओरल अल्सर सेम चीज़ नहीं है। कोल्ड सोर वायरल बीमारी है और यह होंठ पर बाहर की तरफ डेवलप हो जाता है और एक से दूसरे से फैल सकता है, जबकि ओरल अल्सर एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं। आशा है दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।